हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं जो कि नए नए कोटा जा रहे हैं, और उन्हें इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलेगा कि वो अपने इंस्टीट्यूट के एरिए के हिसाब से कहाँ पे रूम ले या फिर हॉस्टल ले, और साथ में ये भी बताएंगे कि पीजी और हॉस्टल में क्या अंतर होता है और किस में रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पीजी में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है ये बता देता हूँ। देखो भाई, पीजी में आपको एक रूम मिलेगा, उसमें आपको एक फैन, एक टेबल, बेड, चेयर, कूलर दिया जाएगा और काम वाली बाई भी आएगी। उसका बस मकान मालिक आपसे रूम का चार्ज लेगा। ठीक है, मेस का जो होगा वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है आप कौन से मेस में खाना खाते हैं। आप चाहे तो हर मंथ में मेस चेंज कर सकते हैं, हर 2 मंथ पे मेस चेंज कर सकते हैं। ये पीजी में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको मेस चेंज का ऑप्शन अवेलेबल है। वही हॉस्टल में क्या होता है कि जो पीजी में फैसिलिटीज है वो हॉस्टल में तो मिलेगी, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि आपको सिर्फ उस हॉस्टल के मेस में ही पूरे साल खाना पड़ेगा, आप दूसरे मेस में नहीं जा सकते हैं। तो ये हॉस्टल में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हॉस्टल में सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर बच्चे की सेफ्टी की बात की जाए, हालांकि कोटा बहुत ही सेफ जगह है, वहाँ किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसमें भी अगर सेफ्टी की बात की जाए तो हॉस्टल ज़्यादा सेफ्टी रहता है। बस यही दिक्कत है कि वहाँ पे आपको हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, जान पहचान हो जाता है, फिर पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है। पीजी में क्या है, 2-4 बच्चे रहेंगे आपके पूरे फ्लैट में, मकान में सबका अलग अलग रूम रहेगा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत उतनी होती नहीं है। और उसमें ये सबसे ज़्यादा फायदा है कि आप अपने हिसाब से मेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिस मेस भी में भी आपको खाना खाना है, आप हर मंथ चाहे तो हर मंथ चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो गर्ल्स स्टूडेंट कोटा जा रहे हैं उनके लिए हॉस्टल ज़्यादा बढ़िया है, और जो बॉयज़ है वो थोड़ा भी अगर डिपेंडेंट है तो वो रूम लेके रह सकते हैं, वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, अब हम ये बात कर, अब आपको क्लियर हो गया होगा हॉस्टल और पीजी में क्या अंतर होता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि कौन से एरिया में हमें रूम या फिर हॉस्टल लेना चाहिए। इंस्टीट्यूट के हिसाब से हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके लिए बात करता हूँ जो रेजोनेंस, रिलायबल, कैरियर पॉइंट, वाइब्रेंट, आकाश, न्यूक्लियस, याद रखिए इन इंस्टीट्यूट के नाम को। ये वो इंस्टीट्यूट है जो कि हाईवे के जो 2 लाइन हाईवे है उसके लेफ्ट साइड में है। ठीक है, रेजोनेंस के साइड में ये सारी वो इंस्टीट्यूट्स है। तो इन स्टूडेंट्स को कहाँ रूम लेना चाहिए, तो देखो भाई, इन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल प्लेस है विज्ञान नगर, वहाँ मैं रहता था। देखो, विज्ञान नगर बहुत ही बड़ा इलाका है, आप वहाँ पे जाओगे आपको बेटर प्राइस में बेटर मेस वहाँ मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ है। मुझे विज्ञान नगर काफ़ी पसंद है, एकदम शांत एरिया है, हर जगह आपको पार्क मिल जाएगा वहाँ पे, और सबसे कोटा का पुराना एरिया है तो वो काफ़ी बढ़िया जगह है। बस आपको यही होगा कि आपको एक साइकिल लेनी पड़ेगी, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर के रेंज में ही है जो भी इंस्टीट्यूट के मैंने नाम बताए, लेकिन साइकिल से ही ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट रखते हैं। 1400 रुपये की आपको सेकेंड हैंड साइकिल मिल जाएगी, और वो भी जब आप घर वापस जाओगे तो 40-50% काट के आपको लौटा दिया जाएगा, यानी कि 400-500 रुपये आपको वापस जाते टाइम 1-2 साल बाद मिल भी जाएगी उस साइकिल की। तो आप एक साइकिल रख लो, और फिर विज्ञान नगर, देखो विज्ञान नगर है तो बहुत बड़ा, अब आपके ऊपर है कि विज्ञान नगर में आप कहाँ रहते हो। मैं रहता था पुराने बंसल के पास मैं रहता था, तो आप वो बहुत ही बेटर एरिया है, लेकिन और भी मतलब एरियाज है, तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से, अपने इंस्टीट्यूट के लोकेशन के हिसाब से आप देख लेना कि आपको विज्ञान नगर में कहाँ रहना है, बहुत बड़ा है विज्ञान नगर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेक्स है, वहाँ भी आप रूम ले सकते हो। और जिन लड़कों को मतलब बहुत कम प्राइस में रूम चाहिए, हालांकि विज्ञान नगर में प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, विज्ञान नगर में आप जितना दूर जाओगे उतना प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन और भी ज़्यादा कम चाहिए तो आप डकनिया रेलवे स्टेशन के आसपास जाके रूम ले लो, वहाँ आपको बहुत कम में रूम मिल जाएंगे। और जिनको हॉस्टल लेना है तो वो भी इस एरिया में आपको हॉस्टल, बढ़िया बढ़िया हॉस्टल मिल जाएंगे, 10-12 हज़ार के भी हॉस्टल मिल जाएंगे आपको, आपको 20,000-22,000 के भी हॉस्टल मिल जाएंगे, आपको जो लेना है आप उस हिसाब से आप ले सकते हो। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एलएन, मोसा, न्यूक्लियस और साथ में रेजोनेंस के बच्चे भी। अब किस एरिया में, मतलब जिस एरिया में एलएन है, यानी कि रोड के जो भी 2 लाइन रोड है उसकी राइट साइड की अब हम बात कर लेते हैं। उसमें क्या है कि आपके सामने एक मैं मैप अभी दिखाऊंगा, ठीक है, हाँ ये रहा मैप। तो इस मैप से आप देखो, ये रहा आपका
तो आपको साकार दिख रहा होगा। हाँ तो देखो ये साकार के आस पास में देखो राजीव गांधी नगर लिखा हुआ है, तो देखो ये थोड़ा सा कॉस्टली एरिया है। जो भी यहाँ पे ज़्यादातर गर्ल्स हॉस्टल आपको मिल जाएंगे, तो और सामने में जो सिटी मॉल है ये इसके बगल में रेजुनेंस है, तो रेजुनेंस के बच्चे भी यहाँ पे रह सकते हैं राजीव गांधी नगर में। और गर्ल्स के लिए ज़्यादा बढ़िया इलाका है, क्योंकि राजीव गांधी नगर में ज़्यादातर जो है वो रोड के आसपास में आपको गर्ल्स हॉस्टल ही मिलेंगे। बॉयज़ हॉस्टल भी है लेकिन कम है, तो हॉस्टल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्ल्स जो है यहाँ पे रह सकती हैं। और ये आपको पीछे साफल्या दिख रहा होगा, संकल्प है, सबल है, समर्थ है। अब देखो ये रहा इंद्र विहार। इंद्र विहार क्या है ना कि थोड़ा सा कॉस्टली एरिया है और बहुत बेटर एरिया है, मतलब डेवलप भी है, मतलब सबसे बेस्ट एरिया है इंद्र विहार, मतलब ये आप समझ लो। और वहाँ पे एलेन का एक बिल्डिंग भी है सविनय, तो वहाँ भी आप रूम ले सकते हो इंद्र विहार में। वहाँ थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लगेगा, पर ज़्यादा उतना भी नहीं लेकिन थोड़ा ही ज़्यादा लगेगा बाकी एरिया के कंपेरेटिवली, ठीक है, तो आप वहाँ रह सकते हो। अब ये पीछे में देखो महावीर नगर फर्स्ट, महावीर नगर थर्ड और महावीर नगर सेकेंड है। महावीर नगर थर्ड है सेकेंड है, ये थोड़ा सा आपको सस्ता एरिया मिल जाएगा। अगर आप चाहते कि थोड़ा कम में कोटा में हो जाए, तो आप यहाँ पे जाके महावीर नगर थर्ड में जाके रूम ले ले सकते हैं। वहाँ लंबे लंबे बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं, तो वो आप लोगों के लिए कम पे सही रहेगा। उसी तरह महावीर नगर टू भी है, आप वहाँ भी रूम ले सकते हैं। आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये है महावीर नगर फर्स्ट। महावीर नगर फर्स्ट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ से एलेन का साफल्या बिल्डिंग जो है और भी काफ़ी सारे बिल्डिंग जो है वो थोड़ा नज़दीक है, लेकिन महावीर नगर थर्ड ये सब थोड़ा बड़ा एरिया है। तो अब जितना पीछे जाओगे महावीर नगर थर्ड में सेकेंड में, तो उतना आपको कम में वहाँ पर रूम मिल जाएगा। अब आगे बढ़ो और आप एलेन से आगे बढ़ते जाओ, जो आगे वाली एलेन की बिल्डिंग है तलवंडी एरिया में आप आ जाओ, तलवंडी सर्कल है। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ भी आपको कम प्राइस में रूम मिल जाएगा, और एरिया भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जितने भी मार्केट से आपको फल फ्रूट लेना हो, जूस लेना हो, तो इस रोड के जो आप ये जो रोड है उसके साइड साइड में पूरा, लेकिन तलवंडी सर्कल पे सबसे ज़्यादा शॉप्स है, मतलब फैसिलिटी सबसे ज़्यादा आपको तलवंडी एरिया में मिलेगी। वहाँ हर चीज़ की शॉप से बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका वाला एरिया है, तो आपको तलवंडी में थोड़ा कम में भी मिल जाएगा और फैसिलिटीज भी मिल जाएगी। यही है कि आपको एक साइकिल रखना होगा, आप पैदल भी जा सकते हो लेकिन साइकिल आप वहाँ पे आपको एक रखना होगा। लेकिन महावीर नगर थर्ड, महावीर नगर सेकेंड, इन सब एरिया में अगर आप रह रहे हो, राजीव गांधी नगर, महावीर नगर फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको साइकिल नहीं रखनी होगी। ये देखो ये डिपेंड करती है कि आपकी क्लासेस कहाँ लगती है, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करता है। मैं साफल्या में अगर लग रही है तो की मैं बात बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पीजी का कितना चार्ज लग जाएगा और मेस का कितना चार्ज लग जाएगा। देखो ऑन एन एवरेज आपको विज्ञान नगर में अगर आप रूम ले रहे हो, तो देखो आप 4,000 से कम में तो पीजी नहीं मिलती है, उन एरिया में मिलेगी। आप काफ़ी पीछे जाओगे या वहाँ पे कोई दिक्कत हो, पानी का दिक्कत हो, कूलर का दिक्कत हो, या किसी चीज़ का दिक्कत हो, तो ही आपको 3,500 में मिलेगा रूम। ज़्यादातर एरिया में आपको 4,000 लग ही जाएंगे, ठीक है। महावीर नगर में आप आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, तो आप ऑन एन एवरेज पीजी का, मैं एवरेज बता रहा हूँ, प्लस माइनस आप 1,000 मान के चलो, माइनस तो 500 मानो, लेकिन प्लस 40 मतलब वही 4,500, 5,000 वो एरिया के ऊपर है, तो मतलब 4,500 में अगर आप इंस्टीट्यूट के पास भी लोगे तो 5,000, 4,500 में आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये बात करेंगे कि मेस का कितना लगता है। तो मेस का भाई आप विज्ञान नगर में अगर रहते हो तो 2,800, 3,000, और अगर आप इस साइड रहते हो तो मतलब 3,200, 3,400, 3,500, 3,600, इतना तक भी आप उस क्वालिटी के हिसाब से आप कौन सा मेस पकड़ते हो, आपको नाश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें देखो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये सब आप वहाँ जाके भी आपको मेस वाला बता देंगे कि हम आपको नाश्ता प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऑन एन एवरेज आप मेस का 3,000, 3,200 मान लो, तो पीजी का 4,500, 4,000 मान लो, इतना तो आपका लगना लगना है। अब इसके बाद आपके कितने एक्स्ट्रा खर्च है क्या है वो आपका है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए जो नए नए कोटा जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और अगले वीडियोज़ अगर आपको देखना है, जो इस पर भी देखना है, प्लीज़ कमेंट करिए। सो ओके एंड बाय।